बड़ा ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है, और हमारे जो एडवोकेट सुलेमान भीमानी है सिटीजन जस्टिस फोरम के कर्ता धर्ता और बकायदा हिंदुस्तान भर में प्रैक्टिस करते हैं, वो कहीं पे भी कंज्यूमर फोरम से रिलेटेड हो या फिर आप रेरा से रिलेटेड हो, किसी भी विषय से रिलेटेड हो, तो वो बुलाते हैं तो लोग चले जाते हैं उनके साथ में और उनकी हक की लड़ाई उस कोर्ट में उस बायर्स के होम बायर्स के लिए लड़ते हैं। तो आज हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं सुलेमान भीमानी जी, कि आप यदि फ्लैट खरीदने जा रहे होम बायर्स हो हिंदुस्तान भर में, तो आप एक तो पहले बुकिंग वाली प्री लॉन्च वाला प्रोजेक्ट होता है वो, उसमें क्या ऑप्शन है, उसमें क्या सावधानी बरतनी है, प्लस रेडी टू मूव है, जो मूव रेडी है आपके सामने, फ्लैट दिख रहा है, प्रॉपर्टी दिख रही है, ओसी आ गया है, तो उसके लिए उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस और दोनों में क्या सावधानी, क्या प्रिकॉशंस आप बरते उसके बारे में बताएंगे। तो हम उस विषय पे तो आपसे जानेंगे और इनसे एक अहम विषय से जानेंगे। अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण NCRDC का नेशनल कंज्यूमर फोरम का एक निर्णय, बड़ा लैंडमार्क डिसीजन बोल सकते हैं उसको आप, वो आया है और वो ये दर्शाता है कि होम बायर्स हमेशा विजेता है, हमेशा विजेता रहेगा। एक गोवा का होम बायर्स था, उसको इन्होंने अधिकार दिलाया है और किस तरह से, चालाकी डेवलपर ने की थी लेकिन NCRDC ने एक अच्छा लैंडमार्क डिसीजन दिया। हम जानेंगे सुलेमान भीमानी साहब से, ये पहला एक जो ये ला ट्रेंड्स में भी आया इसका न्यूज़, तो हम इस बारे में आप ज़रा बताइए सुलेमान भीमानी। तो ये जो फर्स्ट हियरिंग में जो इंटरिम रिलीफ मिला है, वो जो लॉ ट्रेंड करके एक लॉ साइट की वेब पोर्टल है उसमें भी ये पब्लिश हुआ है। इसमें क्या हुआ था कि ये जो क्लाइंट था वो बेंगलोर में अपना स्टार्टअप चालू किया था एंड उसने ये सोचा कि अपने फादर के लिए एक गिफ्ट देवे और उसने एक विला बुक किया, वो गोवा में। मैं बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, 10 विला का अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट था और जब उसको प्रेशराइज करने में आया ना फ़ोन पे कि भाई अभी एक ही विला बाकी आप ले लो, नहीं तो फिर ये बिक जाएगा, तो उसने जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था बिल्डर का, बगैर देखे 20 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिया ऑन ट्रस्ट कि भाई मेरे साथ में कुछ गलत नहीं होगा। और सब्सिक्वेंटली उसने वो 4 करोड़ के आसपास का बंगलो था जिसमें 30 लाख रुपया जो था, 30-35 लाख इंटीरियर का भी उन्होंने इंक्लूड किया था उसके अंदर। तो जब उसने पेमेंट किया तो उसने बैंक से लोन लिया था, वो टाइम पे 2.5 करोड़ की लोन थी और 2 करोड़ रुपया अभी आज की तारीख में फ़िलहाल उसके आउटस्टैंडिंग है, 50 लाख रुपया बैंक को चुका दिया और 4 करोड़ में से 3 करोड़ 28 लाख रुपया टोटल उसने बिल्डर को दे दिए थे। अभी भी प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जब वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उसने लोन लिया था तो जब भी बिल्डर उसको डिमांड रेस करता था वो डिमांड जाता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और मैं एक अच्छी बात बोलता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी क्या किया कि बिफोर रिलीजिंग द पेमेंट दे यूज टू डू दैट ड्यू डिलीजेंस, कोई ऑफिसर को भेजते थे कि भाई ये जो डिमांड आया है डिमांड के हिसाब से वहाँ पे साइड पे काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो जब तक वो माइलस्टोन कंप्लीट नहीं होता था तो बैंक वो पेमेंट होल्ड करके रखती थी और जैसा वो माइलस्टोन कंप्लीट होता था बैंक वो रिलीज करती थी पेमेंट। मीन टाइम बिल्डर के पास एक और एक घिराक आ गया 6 करोड़ का, 2 करोड़ का बिल्डर को मुनाफा हो रहा था, तो इसने एक उसको टर्मिनेशन करके भेज दिया कि भाई तुम्हारा पेमेंट आता नहीं है टाइम पे। अभी 4 करोड़ में से 3 करोड़ 28 लाख रुपये लेने के बाद में भी वो बोलता है कि पेमेंट आता नहीं है और बैंक से लोन लिया हुआ है, तो बैंक तो कैश रिच है। इंडिविजुअल को मैं समझ सकता हूँ कि अगर शर्मा जी है या मैं हूँ तो मेरे से डिले हो सकता है, अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो बैंक के पास तो पैसे पड़े रहते हैं, एक बार लोन सेंक्शन हो गया। बट वो बैंक आजकल जो है बहुत से फ्रॉड हुए तो दे डू दैट ड्यू डिलीजेंस, अपने ऑफिसर को भेजते हैं, सर्टिफिकेट के हिसाब से चेक करते हैं कि इतना काम कंप्लीट हुआ तो ही पेमेंट रिलीज करते हैं। अभी क्या हुआ कि जनवरी में ये 2 करोड़ के ऊपर का था तो इसकी कंप्लेंट हमने NCDRC में की, और आपको पता है कि मैं नॉर्मली आज की तारीख में प्रीफर करता हूँ रेरा के बजाय NCDRC में जाना या स्टेट कमीशन में जाना। तो NCDRC ने उनको 12 जनवरी को उनको वहाँ पे नोटिस मिल गए, कंप्लेंट की कॉपी मिल गए, उसके बाद में उसने वो सेल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया नए बायर के साथ में।
तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो गलत है, और सामने वाला वकील भी बहुत ही सीनियर वकील था, उसने भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स किया, तो कोर्ट ने बोला कि नथिंग डूइंग, फर्स्ट यू हैव टू डिपॉजिट द मनी विच यू हैव कलेक्टेड, और जो बैंक का हिस्सा है 2 करोड़ रुपया आप बैंक में डालोगे, बाकी का पैसा जो है वो आप NCDRC में जमा करोगे। और उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छा जो सेक्शन है वो कोट किया, वो कोर्ट के ऑर्डर के अंदर, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दिस इज नेसेसरी इन अस मच एस इन द कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 द कमीशन हैज बीन गिवन द पावर, ये आपको जानना जरूरी है अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में जा रहे हो तो क्या पावर्स है NCDRC और कंज्यूमर कोर्ट के पास, पावर टू ग्रांट सच रिलीफ एज आर अवेलेबल इन सेक्शन 39, ये भी नोट करके रखो, ऑफ द एक्ट, कपल्ड विद एडिशनल पावर टू एन्यूअल एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 59 सबसेक्शन 2। यानी अभी ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्डर ने किया है नए विला बायर के साथ में, उसको भी वो रिवोक कर सकते, एन्यूअल कर सकते, उतना पावर है उनके पास। एंड ऑल्सो टू पास एन इंट्रीम ऑर्डर अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 8 रेड विथ सेक्शन 59 सबसेक्शन 1 इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज। द कमीशन देयरफॉर कैन ग्रांट इंट्रीम ऑर्डर्स विच इन द प्रेजेंट केस डिजर्व्स टू बी कंसिडर्ड ड्यू टू द ट्रांजेक्शन स्विफ्टली एग्जीक्यूटेड। यानी कोर्ट ने यह नोट किया कि जब हमारी नोटिस गई, आपको आपको कंप्लेंट की कॉपी मिली और उसके बाद में आप जो हिसाब से जो ट्रांजेक्शन स्विफ्टली किए हैं, वो कोर्ट ने ये मैंशन किया है, एज मैंशन अबाउ ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द लीज पेंडेंस, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपोजिट पार्टी हैज अर्ज दैट द कैंसिलेशन ऑफ द बुकिंग बींग वैलिड एंड कीपिंग इन व्यू द रिलीफ स्प्रेड फॉर सच एन ऑर्डर इज नॉट नीडेड, ही अपोजेज द ग्रांट ऑफ एन इंटरिम रिलीफ। यानी उसने अपोज करने के बाद भी जो कमीशन है उसने वो ऑर्डर पास किया, तो मैं वो एक सेक्शन जो है उसके 2 पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुना था। मैं सहयोगी अविनाश सिंधे से कहूँगा, ये जो NCRDC का जो ऑर्डर है वो भी दिखाए डिस्प्ले में। यस हाँ, तो इसकी लिंक भी हम लोग ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उसका आर्टिकल भी डाल दिया। इट इज फर्दर सबमिटेड that the complainant, the opposite party and the State Bank of India with its branch office at Bangalore had entered into a tri-party agreement dated 22 December 2021. A copy of thereof has been appended as Annexure 8, wherein the home loan of ₹2,58,75,000 was sanctioned and an arrangement letter was issued in the respect, which has to be filed on record. The said amount was disbursed to the opposite party developer as consideration and consequently complainant is burdened with the liability of discharging that loan by paying EMIs with interest thereon and the property also seems to be mortgaged and hypothecated with the bank. अरे आप समझो कि ये mortgage था, tri-party agreement था, जिसमें home buyer, builder और bank भी involved था, फिर भी without following the due process उन्होंने टर्मिनेट कर दिया और नया एग्रीमेंट उन्होंने इशू किया विदाउट पेइंग टू द बैंक। तो ये एक बहुत बड़ी एज ए पार्ट ऑफ आप बोल सकते हैं कि चीटिंग है। विद दिस डेवलपमेंट्स द कमीशन फाइंड्स इट अप्रोप्रिएट टू इम्प्लीट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कमीशन ने यह ऑर्डर दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी पार्टी बनाओ और उसका एड्रेस दिया, एज वेल एज मिस्टर सो एंड सो, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू डिफेम एनी वन, बट यू कैन, इट इज इन अ पब्लिक डोमेन क्योंकि लॉ ट्रेंड में आ गया है, with whom property has been negotiated after the filing of the complaint, yani filing of the complaint as indicated above, keeping in view of the balance of the convenience of the parties and the prima facie, the case of the complainant at interim arrangement deserves to be made in order to secure interest of the complainant and at the same time also the interest of the bank which has disbursed the loan amount of the complainant. यानी ये 2 चीज़ थी कि बैंक का भी जो लोन अमाउंट है वो भी सिक्योर करना है और इंटरेस्ट ऑफ द कंप्लेनेंट भी सेव करने का। इट इज़ नेसेसरी इन एज मच एज द कंप्लेनेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 द कमीशन हैज़ बीन गिवन द पावर, जो मैंने आपको बड़ा ये पहले ही मैंने आपको पढ़ के वो बता दिया हूँ। तो ये फर्स्ट हियरिंग में इंटरिम के अंदर जो NCDRC ने जो ऑर्डर दिया है, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मीन्स जो प्रोएक्टिव होगा जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, तो आई थैंक
आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम कि इस तरह से होम बायर के इंटरेस्ट में या पब्लिक के इंटरेस्ट में जो ये ऑर्डर पास हुआ है वो बहुत ही अप्रिशिएट करने लायक है। बिल्कुल तारीफ़ काबिल है और एक होम बायर्स को बड़ी राहत मिलती है कि वो करोड़ों रुपया अपना लगाता है और यहाँ से बैंक से लेके इस तरह के 90% केसेस होते हैं कि आज यदि 2 करोड़ 1 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक की जो भी प्रॉपर्टीज होती है मैक्सिमम वो कहीं ना कहीं से लोन लेता है। तो एक ये बड़ी राहत वाला डिसीजन है NCERTC का। तो एक महत्वपूर्ण और ये तो हम इनका अचीवमेंट है, इनको बधाई देते हैं सुलेमान भीमानी जी को। हम आगे जब पढ़ते हैं मेन आज का हमारा जो टॉपिक है सर, आज हमारा टॉपिक है पॉइंट्स टू बी कंसीडर बिफोर डिसाइडिंग तो बिटवीन परचेसिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टीज एंड रेडी टू मूव इन फ्लैट्स। तो हम जानेंगे आज की रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या सावधानी बरते होम बायर्स ताकि उनके साथ इस तरह से ठगी ना हो पाए। या तो पहले एक अपनी एक नोटबुक ले लो या तो कंप्यूटर में एक्सेल शीट ले लो और आपको पहले प्रायोरिटाइज करना है टाइमिंग और फाइनेंस का। क्या आपको टाइम है आपके पास 3 साल 4 साल वेट करना है और आपको रेडी टू मूव इन फ्लैट में जाना है, और रेडी टू मूव इन फ्लैट में जाना है तो क्या आपके फाइनेंसिस रेडी है, क्या आपके पास सेंक्शन लेटर है बैंक का और बेस्ड ऑन योर इनकम। तो ये दो चीज़ आपको तय करना है। और अगर आपको डिफर्ड पेमेंट में जाना है और 3-4 साल का आपके पास टाइम है तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाइए। तो ये हो गया टाइम और फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया। और दूसरा, अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हो तो रिस्क टॉलरेंस आपका कितना है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में देर आर वेरी अनसर्टेनिटीज। हम आज जो बिल्डर अच्छा लगता है हो सकता है 2 साल के बाद में ओवर ट्रेडिंग या वॉट एवर द रीज़न और बिल्डर का प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हो जाता है, तो आप उसके लिए तैयार हो क्या। और दूसरा, एक इसके अंदर अभी आजकल बिल्डर लोग ने नया कॉन्सेप्ट निकाला है, दैट इज़ कस्टमाइजेशन। आपको 4 दीवार दे देंगे प्लास्टर करके और आप अपने हिसाब से अपना इंटीरियर करो। उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो बाथरूम का जो पॉइंट है, जो वेट एरिया है, वो उसको आप ड्राई एरिया में शिफ्ट करो। तो वॉट एवर अस पर द प्लान जहाँ पे बाथरूम दिखाया है, किचन दिखाया है, वो वहीं पे रखना है। बट यू हैव द लिबर्टी, आपको अगर जो टाइल पसंद है, मार्बल है, ग्रेनाइट लगाना है, वुडन फ्लोरिंग लगाना है, सीलिंग है, तो आप जिस हिसाब से आपका इंटीरियर करना है वो कर सकते हो, वो एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूसरा, आपको देखना है कि ये बिल्डर के जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए है उसने, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, उसकी क्वालिटी जाके चेक करने का है। कि ये ऐसा नहीं कि 2 साल में आप जाओ और वो बिल्डिंग को देखो तो ऐसा लगता है कि ये 15-20 साल जूनी है, क्रैक्स डेवलप हो गए, पेंट फेड हो गया है और यू नो रिपेयर्स ही आ गए हैं। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस आपको देखना है। लेकिन मैंने ये देखा हूँ कि जहाँ पे रेप्यूटेबल बिल्डर्स है, जिसकी मार्केट में स्टैंडिंग है, वो लोग मटेरियल में जो है वो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दे गिव यू, ट्राई टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द मटेरियल। जैसे लिफ्ट है तो वो अच्छे में अच्छी लिफ्ट देंगे, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक देयर ब्रांड, और वो ब्रांड के हिसाब से फ्यूचर में दूसरे प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। तो यही होम बायर्स जो है अपने फ्रेंड्स को या अपने इन्वेस्टमेंट में के लिए और एक वहाँ पे बुक कर सकता है। अगर समझो मैं एज एन बिल्डर, अगर मैंने जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो एकदम सब स्टैंडर्ड बनाई है, टाइम पे नहीं दिया हूँ, तो मेरे जो होम बायर्स है वो क्या मेरे को रेकमेंड करेंगे? तो वर्ड ऑफ माउथ में भी फर्क पड़ता है। तो जो ब्रांड कॉन्शियस बिल्डर है उसको आपको रिसर्च करना है। और आज की तारीख में बहुत सिंपल है, रेरा की वेबसाइट और गूगल ये आपको हेल्प करेंगे। आप इसमें लिख दो कि विच आर द बिल्डर्स हु हैव द स्टॉल प्रोजेक्ट्स, तो आपको पता चल जाएगा ए से लेके जेड तक कि ये बिल्डर के प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, तो उसको आप हाथ जोड़ के उससे दूर रहिए। और जो अच्छे बिल्डर है उसमें आप लिखो कि बिल्डर्स हुआ है कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो वो आपको पूरे रेफरेंस मिल जाएंगे। और उसके बाद में आप रेरा वेबसाइट में जाइए और गूगल में भी आप चेक कर सकते हो कि ये बिल्डर के अगेंस्ट में कितने सिविल और क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। आप गूगल में डाल दो फटाफट इंडिया कानून लॉ ट्रेंड लाइव लॉ के, आपको आ जाएंगे कि ये बिल्डर के अगेंस्ट में ये केस पेंडिंग है, या सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया, या NCERTC का ये जजमेंट आया, या रेरा का ये जजमेंट आया, पेपर का आ जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का आ जाएगा आपको। तो ये सब रिसर्च जो है वो आपको करना है। और दूसरा बात जो है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हो तो रेरा में वेबसाइट में जाके उसके पास रेरा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं वो चेक कर लो, BMC के प्लान अप्रूव्ड है कि नहीं वो चेक कर लो। वो BMC के प्लान देन यू हैव टू वेरीफाई विद द
MCBM DCR की वेबसाइट में जाके DCR ऑटो बोल के कि सेम सर्टिफिकेट है कि नहीं, जैसा हमने कांदीवली डोबीवली में देखा था कि ये पुरानी एक OC थी उसके ऊपर, आजकल तो बहुत इजी है, बच्चा भी कर लेता है PDF के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, चेंजेस जो करते तुम लोग, चेंजेस करते PDF के ऊपर, एडिट करते हो, एडिट, हाँ PDF को एडिट कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, ईयर चेंज कर देते हैं, और वो ही सर्टिफिकेट जो मॉर्फ, उसको जो मॉर्फ, हाँ वो मॉर्फ सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर देते हैं रेरा की वेबसाइट में। जब इनकी आंखें खुली तो अभी नाउ रेरा के पास भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि दे कैन इंडिविजुअली गो एंड वेरीफाई ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, बट अभी ये कंपलसरी हो गया और ये काफ़ी सारा कंट्रोल में आएगा। बट फिर भी आप जब 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हो तो थोड़ा आपको ड्यू डिलीजेंस करना पड़ेगा, आपके इनकम टैक्स के हिसाब से आपको CA को मिलना पड़ेगा कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ, मैं लोन ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आपकी प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए, और प्लस एक प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम अ लीगल पर्सन, एडवोकेट के पास जाइए, उनको बोलो कि भाई आप ड्यू डिलीजेंस करके दे दो कि मुझे ये प्रॉपर्टी लेना है तो मुझे क्या करना है। फिर उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द लोकेशन एंड एमिनिटीज। अभी आज की तारीख में मैंने देखा हूं कि हस्बैंड भी काम करता है, वाइफ भी काम करता है, तो आपको ऐसा लोकेशन चूज करना है कि जहां पे विद इन 5 मिनट्स यू कैन रीच टू द मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, या तो जो ट्रांसपोर्ट इजिली अवेलेबल है वहां पे। फिर हाउ फार इज द मार्केट, हाउ फार इज द स्कूल फॉर योर चिल्ड्रन, क्योंकि आगे चल के आपको वो भी प्लानिंग करना पड़ेगा, या आप ऑलरेडी मैरिड हो या आपके पास बच्चे हैं 2-3 साल के, अभी अगले साल वो स्कूल में जाएगा, तो स्कूल, मार्केट, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, ये प्रॉक्सिमिटी में है कि नहीं, क्योंकि अगर ये है तो आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस बहुत है, क्योंकि जो भी आएगा बंदा रीसेल वैल्यू उसको मिलेगा। प्लस ये भी सोचना है कि समझो अगर मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है, मैं कोई कंपनी में हूँ, मेरा बेंगलोर में ट्रांसफ़र हो गया या हैदराबाद में ट्रांसफ़र हो गया, तो मेरा ये फ्लैट अगर बंद पड़े रहेगा तो मुझे तो मेंटेनेंस भरना है, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द रेंटल वैल्यू आई विल रिसीव, उसको बोलते हैं यील्ड, व्हाट विल बी द यील्ड ऑफ माय दैट इन्वेस्टमेंट। और अगर मैंने लोन लिया हूँ और मेरा अगर समझो बेंगलोर में ट्रांसफ़र हो गया है और कंपनी अकोमोडेशन देती है, और अगर यहाँ से मेरे को रेंटल इनकम चालू हो जाती है, तो मेरा EMI ऑलमोस्ट रेंटल इनकम से भी मेरा पूरा हो जाएगा। तो ये सब चीज आपको बैठ के कंसिडर करना पड़ेगा। फिर देखना है कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइमलाइन क्या है, राइट। बिल्डर अगर 2 साल बोलता है तो आप 6 महीने से 12 महीना ग्रेस पीरियड लेके चलो, और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि 6 महीने से 12 महीना अगर पोजिशन आपको डिलेड मिलता है, देन ऑल्सो दैट बिल्डर इज अ गुड बिल्डर, क्योंकि आप देखेंगे मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है 2015-14 से मैं देख रहा हूँ आर मोर नंबर ऑफ द स्टॉल प्रोजेक्ट, और अच्छे बिल्डर के जो है वो गिने चुने हैं, बाकी फ्लाई बाय नाइट जो बिल्डर है उससे आप दूर रहिए। देन प्रोफेशनल एडवाइस आप ले लीजिए। बाइंग अ होम, अभी रेडी टू मूव इन फ्लैट के अंदर आपको बहुत ध्यान रखना है, उसका टाइटल चेक करना है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चेक करना है, और बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट चेक करना है। अभी मेरी सोसाइटी के अंदर एक PMC आया था, तो ऑनलाइन मीटिंग थी, तो हमने ये बोला था कि OC एंड वी वांट द बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो बीइंग अ PMCO बोलता है बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या है, तो बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद में, यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इसके लिए इशू करती है MCGM के भाई यहाँ पे अभी ये रहने लायक है, एंड यू कैन गिव द फ्लैट, पोजेशन ऑफ द फ्लैट। नाउ बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये रहता है कि छोटा मोटा काम जो रह गया है, जैसे कंपाउंड वॉल है या स्विमिंग पूल रह गया है या क्लब हाउस रह गया है, तो वो कंप्लीट करने के बाद में अगेन ही हैज टू मेक एन एप्लीकेशन टू द MCGM के भाई मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, काइंडली इशू अ बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अभी ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर समझो मैंने अगर रेडी टू मूव इन फ्लैट ले लिया और मैंने ये सब ड्यू डिलीजेंस नहीं किया, फ्यूचर में जब बिल्डिंग रीडेवलप के लिए जाएगी तो मुझे तभी पता चलेगा कि मुझे जो एरिया मिला है उसमें बालकनी भी इंक्लूड है, और अभी जो नया बिल्डर आ रहा है वो तो बोलता है अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से आई विल कैलकुलेट, आई विल नॉट कंसिडर योर बालकनी, और फिर अगर OC नहीं है तो
तो फिर प्रॉब्लम होता है, कन्वेंस नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीज़ आपको जानकारी में लानी बहुत ज़रूरी है कि रेडी टू मूव इन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर रेडी टू मूव इन फ्लैट में अगर आपके पास पैसे रेडी भी है, फिर भी आप 5-10 लाख रुपए की लोन ले लो, लेट द बैंक ड्यू द ड्यू डिलीजेंस, और आप अपने एडवोकेट से भी ड्यू डिलीजेंस करा लो कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बैंक आज की तारीख में बहुत ही ड्यू डिलीजेंस करके ही होम लोन देती है, बिकॉज वो काफ़ी जगह पे उन्होंने ये सब चीज में दे हैव बर्न देयर फिंगर्स, तो दे आर लिटिल कॉशियस एंड अलर्ट, एंड यू ऑल्सो हैव टू बी कॉशियस एंड अलर्ट। फिर इसके बाद में जो आता है एक सबवेंशन स्कीम, राइट, दैट इज फॉर द अंडर कंस्ट्रक्शन। उसमें क्या होता है कि 1 करोड़ का फ्लैट है, बिल्डर बोलता है आपको सिर्फ 5% देना है, बाकी 90% मुझे बैंक फाइनेंस करेंगी और 5% जो है एट द टाइम ऑफ पोजेशन मैं बैंक से ले लूँगा। और तब तक जो भी ईएमआई है वो ईएमआई नहीं रहता है, जब वो इंटरेस्ट रहता है, वॉट एवर द इंटरेस्ट इज देयर, बिल्डर बोलता है मैं ही पे करूँगा। तो आप क्या सोचते हो कि अगर 5 लाख देने से मेरे को 1 करोड़ का फ्लैट आ जाता है और जब तक ये तैयार होगा तो इसकी कीमत 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ हो जाएगी, तो मैं उसको बेच डालूंगा। पर प्रॉब्लम ये कि वो ऐसा होता नहीं है। बिल्डर जब पूरा पैसा ले लेता है तो उसको बिल्डिंग कंप्लीट करने का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसको लागत भी आ गई है, प्रॉफिट भी आ गया है, और जब चाहे तब वो बोलेगा मैं कंप्लीट करूँगा। और ये एक ऐसा केस हुआ है, पुणे के अंदर टाटा ने फाइनेंस किया था और वो बिल्डर पैसा लेने के बाद में कंस्ट्रक्शन नहीं किया, उसने इलेक्शन के अंदर अपने रिलेटिव को खड़ा कर दिया और पूरा का पूरा पैसा जो है वो इलेक्शन में लगा दिया और वो इलेक्शन हार गया। तो वो क्या सोचा था कि मैं अगर इलेक्शन जीत जाऊंगा तो मेरे पास तो फिर भंडार ही भंडार है और वो भंडार से मैं ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो सबवेंशन स्कीम जो है वो आपको तकलीफ देंगे। अभी उसके अंदर बहुत से बायर थे और तभी ये 2017-18 का ही टाइम था, तो रेरा वॉज इन्फॉर्म, तो मैंने भी उसके अंदर मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे वहाँ पे पुणे में हम लोग ने कंप्लेंट फाइल की। अभी उसमें ऐसा हुआ था कि बहुत से लोग को फ्लैट चाहता था, तो मैं बोला आप दूसरी जगह पे से लोन लेके फ्लैट ले लो जो। तो जब ही उन्होंने एप्लीकेशन डाला तो उनको पता चला कि वो जो बिल्डर ने प्रॉमिस किया था कि जब तक आपको पोजेशन नहीं मिलेगा मैं इंटरेस्ट भरूंगा, उसने इंटरेस्ट भरा नहीं था। और लोन किसके नाम पे था? आप जैसे मेरे और आपके जैसे सामान्य यानी कॉमन मैन के, जो होम बायर के नाम पे था। तो स्कोर, जो सिबिल स्कोर था, क्रेडिट रेटिंग किसकी खराब हुई? कस्टमर की, होम बायर। अब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया उनको लोन देने के लिए कि आपका तो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है जिसमें आप लोग ने इंटरेस्ट नहीं भरा है। और बिल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसका नाम खराब नहीं होता है, आपका नाम खराब होता है। और दूसरी ये बात है कि जब आप सबवेंशन स्कीम में लेते हो लोन, तो आपको जो है वो लाइबिलिटी लोन की वो आपके ऊपर आती है, बिल्डर कंस्ट्रक्ट करे या ना करे यू विल हैव टू पे दैट लाइबिलिटी। फिर और एक जो इशू है, रेडी टू मूव इन फ्लैट के अंदर, कि आप वो फ्लैट ऐसा देखो कि आजकल स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी आपको सर्वे करके दे देंगे, आर्किटेक्ट भी सर्वे करके दे देंगे कि ये फ्लैट जो है, एक तो कारपेट एरिया उसमें कितना लिखा हुआ है, बिल्डअप कितना लिखा हुआ है, और सेंशन प्लान में कितना लिखा हुआ है वो आपको चेक करना है। दूसरा, ऐसा नहीं हो कि आपने रेडी टू मूव इन फ्लैट ले लिया और उसके बाद में आपको पता चल रहा है कि भाई अभी ये बिल्डिंग मेजर रिपेयर्स में जा रहा है और 2-2 लाख रुपया मेरे को कॉन्ट्रीब्यूट करना है बिल्डिंग को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। तो इस तरह के चक्कर से आपको बचना है, और पहले वो देखना है कि अगर सोसाइटी के नाम पे कन्वेंस है और टाइटल है तो फ्यूचर में ये रीडेवलपमेंट में जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सब आपको कंसिडर करके फिर ही आपको ये इन्वेस्ट का डिसीजन लेना है। और दूसरा, वैल्यू, कि आज की तारीख में जो वैल्यू आप ले रहे हो और फ्यूचर के अंदर इसको बेचना है तो उसका एप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा, इट विल डिपेंड अपॉन क्या लोकेशन है और वो बिल्डिंग में एमिनिटीज क्या है। तो ये सब चीज़ आपको ख्याल रखना है। यस, वक्त तो हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जानेंगे सवाल जवाब इस पर और
जानेंगे, आपके YouTube पे जो पब्लिक के सवाल है वो भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नहीं तो है व्हाट्सएप ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों विषय है तो आप इस पे सवाल भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में हमारे सवाल लिखे जरूर। अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज में यदि आपने लिए और आप कुछ सवाल जानना चाहते हैं, आप कुछ आपके किंतु परंतु है या आप कुछ फंस चुके हैं या फिर कुछ आपको बिल्डर गलत प्रैक्टिस कर रहा, तो आप जरूर सवाल करें। YouTube पे किशोर मिर्चंदानी साहब नमस्कार बोल रहे हैं, सुलेमान विमानी साहब और आपका पसंद करें, वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड नाइसली एक्सप्लेन बाय ऑनरेबल स्पीकर सुलेमान विमानी जी। सर व्हाट्सएप पे एक सवाल आया है, सर ये सवाल तो मुझे लग रहा है कि इसका नहीं है सब्जेक्ट का, लेकिन सवाल है आपसे, आप जवाब दे पाएंगे इसका, संतोष कदम साहब है। सर मेरे दो सवाल है, कार्पस फंड हर मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या सोसाइटी के पास ही कामन में रखना चाहिए? एक रीडेवलपमेंट बिल्डिंग में पुराने मेंबर के जो फंड होते हैं वो फंड नए मेंबर के साथ क्यों शेयर करें? इसके लिए पुराने मेंबर का जो फंड है इस किस उसको कैसे मैनेज किया जाए? ये रीडेवलपमेंट से रिलेटेड सवाल है। हाँ, तो जो कॉर्पस फंड है दैट यू हैव टू टेक द डिसीजन टुगेदर कि भाई उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या उसको सोसाइटी में रखना है, और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और जो मेंबर है वो अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका एप्रिसिएशन उसको मिलेगा, और नहीं तो जो बैंक का 7% 6% जो भी एफडी रेट है वो सोसाइटी को मिलते रहेगा। और ये जो बात है कि जैसा पुराने मेंबर का जो सिंकिंग फंड और रिजर्व फंड है, तो जब आप एक ऐसा एजीएम में पास कर लो कि भाई जो नया मेंबर आएगा वो भी सेम अमाउंट का सिंकिंग फंड और एजीएम डिपॉजिट करेगा, तो every member is at on par when where the contribution of sinking fund is there, तो वो एक आप issue को वैसा tackle कर सकते हो। और दूसरा redevelopment के बारे में मैंने और एक judgment लेके आया हूँ कि बहुत ही बेहतरीन ये judgment है, NCRTC का, ये भी NCDRC का है, और ये decision को भी Supreme Court ने upheld किया। अभी इसका जो है वो मैं पल्स सोसाइटी की हमेशा एक बात करता था कि जहाँ पे सोसाइटी ने
बिल्डर गोरेगांव बिल्डर को टर्मिनेट कर दिया और बाकी का जो प्रोजेक्ट बाकी का जो काम बचा हुआ था 5% ऑफ दैट वर्क वो सोसाइटी ने कंप्लीट किया। और बिल्डर ने चालाकी क्या किया था कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी रीडेवलपमेंट होता है तो उसमें फर्स्ट जो है वो एक्सिस्टिंग मेंबर को फर्स्ट बिल्डिंग में दिया जाता है और सेल बिल्डिंग के अंदर वो सेल कंपोनेंट करता है। बिल्डर ने चालाकी क्या किया कि दो बिल्डिंग उसने प्लान पास कराया 60 फ्लैट के और 30 फ्लैट जो है उसने जो पहले मेंबर को देने के थे वो उसने बेच के पैसे ले लिया। और ये लोग मेंबर लोग एक ही बिल्डिंग बनी और दूसरी बिल्डिंग बना ही नहीं रहा था क्योंकि बिल्डर ने ओवर ट्रेडिंग कर लिया था। तो हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में काथावाला जी थे, ऑनरेबल जस्टिस काथावाला, उन्होंने पहले बोला कि जो पेंडिंग रेंट है 10 साल से या 5 साल से जो भी पेंट 10 साल से वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में थी, वो 5 साल का रेंट बाकी था तो वो पहले तुम सोसाइटी के पास जमा कराओ। फिर उसके बाद में उसको बोला कि टाइमलाइन के हिसाब से बर्थ चार्ज जमा कराओ। वो 5 करोड़ जमा करने के बाद में ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म अस पर द बर्थ चार्ज, यानी कुछ भी काम नहीं किया था। तो जस्टिस काथावाला ने बोला कि एग्रीमेंट कैन बी टर्मिनेटेड, वो एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया। और जो 30 फ्लैट जो लोगों को बेचे हुए थे उसके जगह पे उसको भी टर्मिनेट करने और आर्बिट्रेशन में जाने के बाद में ये लोग ने वो 30 फ्लैट जो एक्सिस्टिंग मेंबर थे यानी पूरे 60 के 60 वो बिल्डिंग के अंदर आ गए। आर्बिट्रेशन के अंदर भी अवार्ड सोसाइटी के फेवर में मिला क्योंकि वैधी आकाश के हिसाब से दैट सोसाइटी इज़ नॉट लाइबल, सोसाइटी इज़ नॉट अ को प्रमोटर। लेकिन जो होम बायर थे उसमें से 3 होम बायर जो थे वो NCDRC में गए। एक का नाम है संदीप ग्रोवर एंड अनदर्स, उसने सबको पार्टी बनाया, साई सिद्धि डेवलपर्स, राम प्यारे यादव एंड अनदर्स, साई सिद्धि डेवलपर्स। तो ये जो जजमेंट जो पास हुई NCDRC की वो आपको सबको इसके लिए बता रहा हूं कि रीडेवलपमेंट के क्वेश्चन आते रहते और मेरे को पूछते रहते। तो आप सोचते हो कि अगर सोसाइटी अगर बिल्डर का प्रोजेक्ट रुक जाता है तो सोसाइटी को कोई लेना देना नहीं है? नहीं, सोसाइटी इज ऑल्सो लायबल एज मच सच लाइक अ बिल्डर, क्योंकि जो होम जो सेल कंपोनेंट वाला जब पैसा लेता है तो वही पैसे से आप ट्रांजिट रेंट पे रहने जाते हो, वो पैसे से वो आपको ट्रांजिट रेंट देता है और वही पैसे से वो आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है। तो वो हो गया कि आप बेनिफिशियरी हो, आपको एडिशनल 35% तो मिनिमम मिलती है एक्सिस्टिंग मेंबर को, और समझो बैंड्रा या और कोई जगह पे है टूवर्ड्स साउथ बॉम्बे तो आपको ज़्यादा FSI भी मिलती है अगर वो क्लस्टर डेवलपमेंट में जाता है, और दूसरे सब फैसिलिटी तो ऑलमोस्ट डबल द FSI मिलती है। तो अभी ये NCDRC का जजमेंट आया कि सोसाइटी हैज टू रिफंड द मनी विथ इंटरेस्ट टू दिस 3 होम बायर्स। ये इसकी भी लिंक अगर नहीं है दिया हुआ तो वो भी आपको मैं दे दूंगा जजमेंट की। फिर हुआ ये कि सोसाइटी बोले कि भाई हम लोग क्यों लायबल, तो दे चैलेंज दैट ऑर्डर इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नथिंग डूइंग, यू आर लायबल। तो इन्होंने टाइम मांगा सोसाइटी ने कि हम लोग ट्राई करते हैं वो लोग के साथ में बात करके सेटल करने के लिए। फिर वो सेटलमेंट नहीं हुआ क्योंकि सोसाइटी इतना पैसा ला के देंगी कहाँ से और मेंबर भी क्यों देगा। अभी जब तक वो कंटेम नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तब तक सोसाइटी पैसे निकालने वाली नहीं है। तो ये ऑर्डर जो था वो अगेंस्ट द सोसाइटी गया कि अगर बिल्डर ने पैसे नहीं रिफंड किए हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या था और NCDRC का कि सोसाइटी का एजेंट कौन है, बिल्डर, बिल्डर को किसने अपॉइंट किया, सोसाइटी ने। सो यू आर द सर्विस प्रोवाइडर, सो यू हैव टू रिफंड द मनी टू द बिल्डर। तो जब आप रीडेवलपमेंट के लिए जाते हो तो बिल्डर का चयन सोच समझ कर करिए, नहीं तो आगे जो बिल्डर की लाइबिलिटी है वो एक्सिस्टिंग मेंबर पे नहीं आनी चाहिए। यही ये एक चर्चा का विषय था पल गोरेगांव पल का, कि जब डेवलपर टर्मिनेट हो किया तो उसके बाद को प्रोमोटर एज ए सोसाइटी, तो वो सोसाइटी की ऑफिस बियर और सुप्रीम कोर्ट कंज्यूमर फोरम ने बोला कि आपको इनको विद इंटरेस्ट देना, तो एक बड़ा डिसीजन है। इसलिए आजकल सेल्फ रिडेवलपमेंट का प्रपोजल बहुत मायने चल रहा है और वो सेफ और सुरक्षित सुरक्षित
तो सर आगे एक कमेंट्स भी है, सवाल भी है। सर नरपत सिंह देवरा है दहिसर से, बड़ा लेआउट है इनका, रतन नगर बोरीवली, रतन नगर। यस, एडवोकेट सुलेमान भीमानी सर, न्यू फ्लैट लेने वाले के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, विशेष रूप से ये यूथ होते हैं, अच्छी सैलरी होती है, जिनके अच्छे जॉब्स होते हैं, उनके लिए एक अच्छा सावधानी कैसे बरतें, ये डिटेल्स उन्होंने आप आज से ली। तेजस रावल है सर, हमारा डीए एग्रीमेंट हो गया, 20% दे रहा है डीए, 18 फ्लोर, नाउ बिल्डर 9 फ्लोर, डीए दे 20% दे रहा है, डीए में 18 फ्लोर थे और नाउ बिल्डर 19 फ्लोर, तो अमेंडमेंट किया होगा उसने कुछ? हाँ, विदाउट एनओसी जा नहीं सकता सोसाइटी का दिए तो। अभी देखो नॉर्मली जो अस्पर डीसीपीआर है, जो एक्सिस्टिंग मेंबर को 35% फंजिबल एफएसआई मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए बिल्डर को कोई पेमेंट देना नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सिस्टिंग मेंबर को देने का है। वो बिल्डर यही सोचता है कि मेरे को वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मैं पैसा बचा लूँ और इनको वो फंजिबल एफएसआई नहीं दूँ, और सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बचाने के लिए ये सब करता है। तो आप उसके साथ में बेटो भाई, हमको 35% ही चाहिए, हमको तो थोड़ा कॉर्पस फंड कम देगा तो चलेगा, क्योंकि एरिया आप ज़्यादा लोगे तो फ्यूचर में जब प्रॉपर्टी के भाव बढ़ेंगे तो वो एरिया के हिसाब से बढ़ेंगे, और कॉर्पस फंड जो है आपको अगर बैंक डिपॉजिट में रखोगे तो 6-7% ही देगा, या अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छे खिलाड़ी हो और अच्छा इन्वेस्टमेंट किया तो 3 साल के अंदर वो डबल भी हो सकता है। बट मेरा एडवाइस ये रहेगा कि यू शुड कॉर्पस फंड, टेक्स लेस कॉर्पस फंड बट डोंट कॉम्प्रोमाइज इन द योर एरिया, और बिल्डर को बोलो कि भाई 35% जो फ्री ऑफ एफएसआई मिलता है, फंजिबल एफएसआई, वो ही हमको चाहिए, और वो एफएसआई बिल्डर उसको सेल कंपोनेंट में भी यूज नहीं कर सकता है, दैट इज एज पर द डीसीपीआर एंड एज पर द हाई कोर्ट जजमेंट ऑल्सो, दैट 35% फंजिबल एफएसआई कैन नॉट बी यूज फॉर द सेल कंपोनेंट, इट इज फॉर ओनली फॉर द एक्सिस्टिंग मेंबर। और इसके नेगोशिएबल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना खुद का सॉलिसिटर एडवोकेट विद पीएमसी आप सेपरेट अपना अपॉइंट करें, बिल्डर के भरोसे ना रहे, ताकि वो आपके बिहाफ पे नेगोशिएबल करे कि नहीं अपने इतना परसेंट मिल सकता है। उसके लिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि पहले आप 3 चीज का ध्यान रखो, एक कन्वेंस जो है वो सोसाइटी के नाम पे होना चाहिए, प्रॉपर्टी कार्ड सोसाइटी नाम के होना चाहिए, और एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट। डोंट वो आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट के पास बनाओ, प्योर ही द पीएमसी नहीं होना चाहिए वो टाइम के ऊपर, बिकॉज पीएमसी के कहीं ना कहीं स्ट्रिंग अटैच रहते हैं बिल्डर के पास में, तो वो आपको क्लियर पोटेंशियल नहीं बताते। वो पोटेंशियल होने के बाद में देन यू कॉल फॉर द टेंडर और देन यू कैन अपॉइंट अ पीएमसी और बोलो कि भाई दिस इज आवर बेस क्राइटेरिया, इसके ऊपर कौन सा बिल्डर हमको देता है, और जो सेल कंपोनेंट है वो भी आइडेंटिफाई करो कि भाई तेरे को 1,00,000 स्क्वायर फीट है वो सेल कंपोनेंट मिल रहा है, और इन फ्यूचर इफ देयर इज अ चेंज इन पॉलिसी और एफएसआई ज़्यादा मिलती है तो उसका भी प्रोपोर्शन जो है वो अभी से ही डिसाइड होना चाहिए, सो डोंट लीव इट अ चांस। सो पहले इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट के पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के पहले अपना पोटेंशियल क्या है वो समझो और फिर पीएमसी को अपॉइंट करो। अभी मैं देखा हूँ मेरी सोसाइटी के अंदर भी पीएमसी अपॉइंट करने की इतनी घाई रहती है, पता नहीं पीएमसी क्या उनको लड्डू खिलाता है कि दे डोंट फॉलो द प्रोसीजर विच हैज़ टू बी फॉलोड। अगर सोसाइटी के पास कन्वेंस नहीं है, टाइटल नहीं है, लेकिन पीएमसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है और वो सब कर देता है। मैंने वो पीएमसी को जब ऑनलाइन ही लिया था विच वॉज अगेन इलीगल, तो मैंने एक ही सवाल पूछा कि आपने जो दे दिया फिजिबिलिटी रिपोर्ट और बाजू की ही सोसाइटी के अंदर, तो अभी हम लोग को बोल रहा है कि 30% मिलेगा, नॉट इवन द 35%, लेकिन बाजू की सोसाइटी ने सेम रोड के ऊपर बगल की सोसाइटी द बिल्डर इज गिविंग डबल द एफएसआई, यानी जो अगर मेरा 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो मेरे को 1200 मिलता है, तो वाई लेस एक। और मैं बोला अगर हम ये फॉलो भी करते हैं तुम्हारी बात और बिल्डर के साथ हम क्या करेंगे, कैन वी रजिस्टर द सेल एग्रीमेंट, तो बोलते हैं नहीं, क्योंकि बोले प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है। तो मेरा तेरे को क्या सजेस्ट करना चाहिए, पहले टू गो फॉर द कन्वेंस एंड प्रॉपर्टी कार्ड और यू एंटर्ड द एमओयू विद द बिल्डर। अगर आपने एमओयू कर दिया एंटर बिल्डर के साथ में, आप अपने हाथ काट के उसको दे दोगे और फिर वो सालों साल लग जाएगा प्रॉपर्टी कार्ड आपके नाम पे, सोसाइटी के नाम पे करना, और
टाइटल सोसाइटी के नाम पे करना, तब तक जब तक सोसाइटी का टाइटल नहीं है बीएमसी के अंदर तब तक प्लान भी अपलोड नहीं हो गए फॉर अप्रूवल, तो आपका वो अप्रूवल भी रुक जाएगा। तो ऐसी मिस्टेक मत करो, टेक अ गुड आर्किटेक्ट एंड अ गुड एडवोकेट हु कैन गाइड यू प्रॉपरली, अदरवाइज यू विल बिकम रूफलेक्स फॉर ऑलमोस्ट 10 years विच द पल्स सोसाइटी एट देन। पल्स सोसाइटी 2010 से बंद पड़ी थी और पब्लिक जो 60 एक्सिस्टिंग मेंबर थे दे उसके सर पे छत नहीं था, दे वर लिटरली रूफलेस और 5 साल से बिल्डर उन लोग को भाड़ा भी नहीं दे रहा था। ये सिचुएशन को आपको अवॉइड करनी है, तो यूज योर इंटेलिजेंस एंड डिस्कस विथ योर एडवोकेट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिफोर टेकिंग एनी सच ड्रेस्टिक स्टेप। सर एक मेरा आखिरी सवाल आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, कि एक तो अंडर कंस्ट्रक्शन है मतलब उसको घर को कम से कम 3 साल बनेंगे, मुंबई में ज़्यादातर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, और वो दूसरा कनेक्टेड जो रिहेब वाले उन लोगों का भी रहता है इशू, और एक ऐसा फ्रेश जहाँ ओपन प्लाट करके डेवलपर बनाता है, तो ये एक होता अंडर कंस्ट्रक्शन जहाँ पे रिस्क है और एक रेडी टू मूव होता है। तो आज के युवा आज के यूथ एक अच्छी सैलरी हाई प्रोफाइल सैलरी और जॉब्स करते हैं और वो लोन लेते हैं 100% की लोन पे भरोसे में रहते हैं, वो ज़्यादा नहीं सोचते इस पे डीप में जाते नहीं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि मोटा मोटा कि आप रेडी टू, आप देखो आज आप पेमेंट तो आज देना आपको या 3 साल बाद भी वो देना ही है, तो स्लेब वाइज वो 3 साल रहता है, लेकिन जब रेडी टू में आपको फ्लैट दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, उसकी वैल्यू दिख रही, तो आप उसमें तुरंत जाके 2-4 महीने में रह सकते हैं, क्या उनको यूथ को एडवाइस देना चाहेंगे? सी रेडी टू मूव इन के अंदर आपको आपके सीए, आपके आर्किटेक्ट और आपके लॉयर के साथ आपको डिस्कस करना है। ऐसा नहीं हो कि आपने रेडी टू मूव इन फ्लैट ले लिया और 2 साल के अंदर ही मेजर रिपेयर्स निकले हैं और फिर वो वापस बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाती है, तो ये सब चीज़ आप एक ध्यान रखो। और दूसरा, अंडर कंस्ट्रक्शन में ले रहे हो आपके पास और 2-3 साल का पीरियड है आपके पास, वेट कर सकते हो एज पर योर प्लानिंग, देन गो फॉर द बिल्डर्स हु हैव अ रेप्यूटेशन एंड स्टैंडिंग इन द मार्केट, डोंट गो टू द फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स और बिल्डर्स, क्योंकि उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और फिर वापिस एक बार दोहराता हूँ मैं कि 6 महीने से 12 महीना अगर डिले हो गया कोई प्रोजेक्ट के अंदर कोई बिल्डर का, देन ऑल्सो कंसिडर हिम एज अ गुड बिल्डर, बिकॉज आप लिस्ट ऑफ बिल्डर्स देखेंगे, आप खाली गूगल में टाइप करो स्टॉल प्रोजेक्ट इन मुंबई, आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। इट इज़ ऑलमोस्ट 5,000 to 7,000 प्रोजेक्ट विच आर स्टॉल्ड इन मुंबई, ये मैं नहीं बोलता हूँ, गूगल के अंदर मिलता है, रेरा रजिस्टर है, रेरा के अंदर भी मिलता है, 40,000 प्रोजेक्ट पूरे वो है उसमें महाराष्ट्र भर में, और जिसमें 8,000-10,000 स्टॉल प्रोजेक्ट है। तो ये आंकड़े हैं, तो इस आंकड़े आप सब हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो, इस आंकड़े का हिस्सा नहीं बने, तो ये एपिसोड ये प्रोग्राम हमारा बनाने का मकसद ही है। आर सुंदर राजन साहब एडवोकेट हैं सीनियर, नमस्ते साहब, राकेश मल्होत्रा जी गुड आफ्टरनून। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तो लोग ज़्यादा अवेयर और एजुकेट होंगे। और सुलेमान भिवानी साहब आप आए इस सब्जेक्ट पर, आपने लोगों को अवेयर किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नंबर शेयर करना चाहेंगे आपके मेल आई डी नंबर? हाँ, 9987743676 एंड citizensjusticeforum@gmail.com। यस, और महासेवा के नंबर भी मैं चाहूँगा राकेश और अविनाश सिंधे शेयर करें, और एड्रेस भी, या किसी भी विषय पर सीए रमेश प्रभु जी और महासेवा की टीम से आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर पर संपर्क करें। और आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद सुलेमान भाई, धन्यवाद, आते रहिए। यस श्योर, थैंक यू।